हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देर आर द 1350 मेंबर्स इन एन इंस्टीट्यूशन ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 10 ईच। 1350 मेंबर्स हैं, 10 रुपीज ईच हर मेंबर पे कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, बिगनिंग और एंड। जेडी बेटा सब्सक्रिप्शन बिगनिंग दे विच रिसीव कीती आपां वो इस साल दी हुई वो प्लस करांगे, जेडी एंड विच रिसीव कीती वो नेक्स्ट ईयर दी होगी उन्हों माइनस करांगे। ठीक है, एंड वो तुहानू गिवन है 3900 आपां प्लस करांगे, ते जेडी पिछली दित्ती है 4200 आपां माइनस करांगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अनपेड एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग दे विच जेडी आउटस्टैंडिंग है वो लास्ट ईयर दी है उन्हों माइनस करांगे, और जेडी एंड दे विच आउटस्टैंडिंग होंदी है वो अपने इस साल दी होंदी है उन्हों प्लस करांगे। हुण इत्थे लिखे है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दैट इज 12,000, तो आपां हुण इहनूं लैके चलांगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो तुसीं रिसीव करोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो ये तुहाडी किन्नी है 12,000, ये आपां लिख ली। ठीक है, जेडी ड्यू रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगनिंग। ठीक है, बिगनिंग दे विच जेडी एडवांस रिसीव की थी वो मेरी इस साल दी है, तो उन्हें मैं की करूँगी प्लस, 3900 प्लस हो गया 4200, असी इस साल दे एंड विच रिसीव की थी है एडवांस, तो नेक्स्ट ईयर दी हुई उन्हें की करांगे माइनस। आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग है दैट मीनस वो कहड़ी ईयर दी है, पिछले साल दी, उन्हें की करोगे तुसी माइनस। ठीक है, तो 2100 माइनस हो गया, उस तो बाद फिर थोड़ी इस साल की जी आप ले ही रहे हैं, तो इट मीनस टोटल किन्ना आ गया है थोड़े को, 3900 प्लस होया 4200 और 2100 माइनस हो गए, थोड़े को आ गया 9600 रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये साल इस साल की बन गई। बट एक्चुअल जी अपनी सब्सक्रिप्शन बन रही है 1350 × 10 दैट इज 13,500, जिदे विचो 9600 अपनी आ चुकी है, तो बाकी जी रह गई 3900 आउटस्टैंडिंग होगी वो आप बैलेंस शीट पावांगे एसेट साइड, ये होगी थोड़ी बैलेंस शीट की एसेट साइड। ठीक है, शो आप इस तरह करना है। हूँ देखो बेटे जी, मैं नैक्सट क्वेश्चन है थोड़ा नाइन्थ क्वेश्चन देखो किमें दिखाया हुआ है, जितों थोड़ू इस तरह की रिसीट एंड पेमेंट दिखा दें तो एडजस्टमेंट्स कुछ अलग हो जाती है, 2018, 2019, 2020 तीन साल दी अलग अलग 2018, 2019, 2020। ठीक है, नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिती हैं, तो आपने रिसीट एंड पेमेंट मतलब ये आप रिसीव किया इस साल च, मैं तुम्हें दस्या ना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स का थोड़ा लास्ट ईयर का भी हो सकता है, करंट ईयर का भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का और इस साल का भी हो सकता है, तो आप सिर्फ 30,000 लैके चलांगे। आप इस साल की कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव की है 30,000, 5,000 पिछले साल की, 6,000 अगले साल की, जी अगले साल की तो एडवांस होगी वो तो थोड़ी बैलेंस शीट च लाइबिलिटी साइड आ जूगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट च लाइबिलिटी साइड। हर आइटम के नाल नाल बैलेंस शीट एडजस्टमेंट भी सुनते जाओ ताकि क्लीयर हों रहे। जी थोड़ी 6,000 है वो थोड़ी आ जूगी क्लोजिंग बैलेंस शीट च लाइबिलिटी साइड। हुण ए वाली आपां पहला पाती इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 30,000, सबसक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 मीनस इस साल के एंड विच तुहाडी आउटस्टैंडिंग किन्नी सीगी 6,000। ठीक है, बट जदों आपां नूं तीनों सालों की दित्ती होवे इट मीनस इहदी एडजस्टमेंट इहदे विच नहीं हैगी। ठीक है, मान के चलना है इस विच 6,000 दी एडजस्टमेंट नहीं, ये सिर्फ इसी साल की है, तो आपां इहनूं कुछ नहीं करना। जिहड़ी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 इस साल की आउटस्टैंडिंग वो आप पूरी ऐड करांगे, 5,000 इहदे विच ऐड हो जूगा। ठीक है, 31 मार्च एंड तक अपने कोल कितनी आउटस्टैंडिंग है 5,000। हुण ये 5,000 जिहड़ी आउटस्टैंडिंग है बेटा, ये जिहड़ी पिछले साल की थोड़ी 6 आउटस्टैंडिंग सी, 6 दे विचों 5,000 पिछली आप रिसीव कर ली, इट मीनस 1,000 इहदी हजे आउटस्टैंडिंग रहिंदी थोड़ी 2018 की, वो 2019 दे विच ही इनकलूड है क्योंकि थोड़ी 19 तक की आउटस्टैंडिंग कितनी दी है 5,000, जे 19 तक की दी है तो यह मतलब 18 की 1,000 के विच ही है, तो इस साल की आउटस्टैंडिंग कितनी रहेगी 5,000 चो 1,000 माइनस करो तो 4,000 थोड़ी इस साल की आउटस्टैंडिंग रहेगी, तो आप 30,000 के विच 4,000 ऐड करांगे और रिसीव्ड इन एडवांस
2018 ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 34,000 ਪਲੱਸ 6,000 ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ? 40,000. ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ बाय सबसक्रिप्शन. थोड़ी इस साल की तुम्हें गिवन है बेटा, जो दिती है दैट इज 30,000. ठीक है, और इस साल की जी 18 के एंड एडवांस रिसीव की है वह तो आप ऐड कर ही लवेंगे क्योंकि मेरी इस साल की हुई. ठीक है, बट जेड़ा तुम्हें दिता हुआ है कि सबसक्रिप्शन एट द एंड ऑफ 2019 वो 5,000 है, और एंड ऑफ 2018 कि 5,000, और 18 दी आपां 5,000 चों 4,000 रिसीव कर ली. इट मीनस इत्थे 5,000 चों 4,000 रिसीव कर ली तां अपने कोल, सॉरी 6,000 सीगी आउटस्टैंडिंग जी चों सी 5,000 रिसीव कर ली, तां इत्थे 1,000 हजे भी आउटस्टैंडिंग पई है, 18 दी आउटस्टैंडिंग पई है जिहड़ी तुहाडी इहदे विच ही इनकलूडड है. इट मीनस ए वाली 5,000 दे विच 1,000 तुहाडी 18 वाली है, तां इस साल दी मेरी आउटस्टैंडिंग टोटल किन्नी होई? ओनली 4,000. तो इतने मैं इस साल की आउटस्टैंडिंग ऐड करूंगी, दैट इज 4,000, और इस साल की थोड़ी सब्सक्रिप्शन कितनी आ गई? 40,000. ठीक है, ठीक है, इस साल की मेरी सब्सक्रिप्शन आ गई सी 40,000 हो गया सम. बेटा जी नेक्स्ट सम तुहानू दित्ता है 10th सम. देखो 2016, 2017, 2017, 2018, 2018, 2019 आपां नूं आइटम्स दित्तियां ने. नीचे की लिखे है कि देयर आर 450 मैंबरस ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन रुपीज 60. ठीक है, 60, 450 into 60 27,000 बनता है. इट मीन्स इस साल की सब्सक्रिप्शन कि 27,000. 600 वर इन एरियर फॉर 2016-17. 600 जी इस साल की एरियर है पिछले साल की. ठीक है, और इन द बिगनिंग ऑफ 17-18 मतलब इस साल के लिए पिछले साल की थोड़ी 600 आउटस्टैंडिंग पई है. कैलकुलेट सबसक्रिप्शन फॉर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. देखो बेटा, आप जे इस साल के तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखना है तो सीधा 27,000 लिख सकते हो, जो अपनी 450 into 60 बन के आंदा है, तो वो तो सीधा ही आजगा 27,000. बट अगर आप बैलेंस शीट च लिखना है तो बैलेंस शीट से कि रिसीव किया हो 22,000 बनना कि 27,000. तो 22,000 के जी 600 एरियर सी ये एरियर सी पिछले साल की, वो जो 500 रिसीव कर लिया तो 100 हजे भी एरियर है पिछले साल का. ठीक है, तो वह 100 जोड़ा एरियर है वो थोड़ी क्लोजिंग बैलेंस शीट आजगा एसेट साइड, तो जोड़ा थोड़ा ये हैगा 900 वो थोड़ी क्लोजिंग बैलेंस शीट आजगा लाइबिलिटी साइड बिकॉज ये एडवांस है. और इस साल का बनता है 27, रिसीव आप 22, जोड़ा 5,000 रह जूगा वो आप पाना है क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड. जो तो नंबर ऑफ मैंबर की सबसक्रिप्शन दी तो बिल्कुल सीधा ट्रीटमेंट होंगे बेटे, इन्हों मल्टीप्लाई करो तो इस साल की ड्यू सीधी आजगी 27 चो आप 22 रिसीव कर ली, बाकी 5,000 आउटस्टैंडिंग होगी वो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पानी है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूरा 27,000 पाना है. ठीक है, तो ये वाली 900 तो असी क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पाना है, और यह जी सी ओपनिंग बैलेंस शीट थोड़ी लाइबिलिटी साइड आऊगी 600, जिचो 500 पर रिसीव कर लिया 100 हजे भी आउटस्टैंडिंग रह गई, ये 100 आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड शो हो जानी है. ठीक है बेटे, एथे नाल तुहाडे 10 तक के क्वेश्चन, पहले 10 क्वेश्चन हो गए, तो तुसी अगले क्वेश्चन ये अकॉर्डिंग 11th हो गया, 12th हो गया, ठीक है, 13, 14 ये कुछ क्वेश्चन अपने आप ट्राई करने हैं, तो मैं दसना है अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं वो तुम्हें करवाऊंगी. नैक्सट वीडियो के मैं तुम्हें 15th क्वेश्चन तो स्टार्ट करा रही हूँ. ठीक है, टेक केयर बेटा.